दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे लोग हो सकते हैं इस वीडियो को पसंद ना करें, क्योंकि बहुत साधारण सा वीडियो होने वाला है ये। जी हाँ दोस्तों, इस आस्तीन में हम जब भी ब्लाउज का लेस वगैरह लगाते हैं तो उसे इस प्रकार से लगाना चाहिए कि खूबसूरती के साथ नजर आए, तभी हम उसको कहने का मतलब ऐसे ब्लाउज में फिटिंग भी आती है और अच्छा भी लगता है। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ उन लोगों को सिखाने का जिनको शायद इस प्रकार से लेस लगाना उसे नहीं आता हो। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से हम लेस को क्या करते हैं, हम लगाते हैं जब भी आस्तीन पर तो सीधा सीधा रहता है, इस प्रकार से इस पर मोड़ देते हैं। लेकिन मोड़ने से क्या होता है, यहाँ पर एक खूबसूरती के साथ ये लेस नजर नहीं आती, कभी कभी ये फुचड़ा भी बाहर आने लगता है। तो इसीलिए आस्तीन को हम कुछ अलग स्टाइल से हम लगाएंगे दोस्तों, लेस को जो आस्तीन में है ना। तो हम किस प्रकार से लगाएंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि ये जो हमेशा जो लेस जो रहता है ना वो थोड़ा दूरी पर लगाएं दोस्तों। बिना शुरू से लेकर आखिर लंबा भी हो आपके पास अस्तर तो ही पूरा आखिरी तक ना लगाएं, क्योंकि यहाँ पर सिलाई आती है मोटा हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि सिलाई को छोड़कर ही लगाएं, जैसे यहाँ से 3 इंच कम से कम छोड़ दें। अगर आपके पास लेस लंबा है तब, नहीं है तब तो खैर कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ से हम 3 इंच छोड़ते हैं, यहाँ से हम 3 इंच छोड़ते हैं। ये देखिए 3-3 इंच छोड़ने के बाद जो बचता है लेस इस प्रकार से, उसको हम काट कर अलग अलग लगा लेंगे। मतलब कितना बचेगा हमें इसमें, ये 12 इंच बच रही है, तो 12 इंच का हम लेस काट लेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास जब साड़ी का जब ब्लाउज बनाने का कपड़ा हमेशा ऐसा लंबा हो जरूरी नहीं है ना, अगर आपके पास टुकड़े में भी है तो भी चलेगा है ना। तो मैं आपको टुकड़ा ही करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये प्रॉब्लम मत हो। तो सबसे पहली बात है, इसी टुकड़े के आधार पर हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लेस को ये कर लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से हमने काट लिया दोनों टुकड़े, इसके बाद हम इस पर इसको ज्वाइंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से लगाने के बाद हम इसको ज्वाइंट करेंगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम मशीन पे आ गए। मशीन में आने के बाद देखिए, किसी भी लेस को इस प्रकार से आधा इंच छुड़ाकर आप क्या करें, नीचे के हिस्से में आप सिलाई मत लगाइए, आप सीधा सिलाई लगाना स्टार्ट कीजिए। यहाँ से आधा इंच हमने ऊपर रखा है ना, देखिए इसको। ये देखिए इस प्रकार से हमने किया और यहाँ पर ऐसे किया। हम नीचे हिस्से में सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें फाइनली इसमें सिलाई लगाना है। ज़्यादा सिलाई लगाएंगे तो इसमें वो खूबसूरती नहीं आएगी दोस्तों, जो खूबसूरती आनी चाहिए, ठीक है। इस वजह से हमने इसमें नीचे में सिलाई नहीं लगाया। इसी प्रकार से कुछ प्रोसेस हम दूसरे हिस्से में भी कर लेंगे। चलिए ये देखिए दोस्तों, हमने सिलाई कर लिया। अब सिलाई करने के बाद क्या करें, इसको जो हमने टुकड़ा जो बचा हुआ था ना, इसको फिर हम इसको इस प्रकार से काट लेंगे दो हिस्से में। थोड़ा तो ध्यान से देखिएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इससे काफ़ी सफाई आ जाती है। मैं अक्सर दोस्तों आप लोगों को चाहे कटिंग हो चाहे सिलाई हो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड का ख्याल रखता हूँ। इस वजह से मेरे वीडियो थोड़े से कठिन हो जाते हैं, मगर आप लोगों को अगर स्टैंडर्ड काम सीखना है तो हमारे वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी। चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं दोस्तों इस प्रकार से। ये देखिए इस प्रकार से हमने इसको जोड़ लिया, दोनों तरफ हम इस चीज को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद आप इसको इस प्रकार से ऊपर की सिलाई मार लें ताकि आपको साफ सुथरा लगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, प्रकार से सिलाई लगा देंगे तो काफी खूबसूरत लगेगी। नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगी, लेकिन मैं इसमें लगा दिया हूं सिलाई इस प्रकार से। देखिए इधर भी लगा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने सिलाई लगा ली, तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ ये लग गई। अब इसे करना है हमें आस्तीन में ज्वाइंट, उसके लिए हम इसको थोड़ा सा मोड़ना होगा। इसे चाहे तो प्रेस से बड़ी खूबसूरती के साथ मोड़ लीजिए दोस्तों, प्रेस में काफ़ी सफाई के साथ मोड़ जाएगी। ऐसे हाथ से मोड़ने पर उतनी सफाई नहीं आएगी, इसलिए हम इसको प्रेस से इस प्रकार से मोड़ लेंगे तो काफ़ी ये इस प्रकार से हो जाएगी। मैं प्रेस से मोड़ कर लिया दोस्तों, हमने इस प्रकार से मोड़ लिया है, काफ़ी साफ सुथरी और खूबसूरत लग रही है ये, कहीं भी ये नहीं लग रहा है। अब इसके बाद क्या करें, देखो यहाँ पर दो आस्तीन लें, आस्तीन को यहाँ पर सेंटर के पास आप मार्क कर लें दोनों दिशा में, और आपको इस प्रकार से इसको सिलना है। देखो यहाँ पर इसको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दें, अगर है तो इसमें थोड़ा सा जहाँ से आपको सिलाई शुरुआत करनी है वहाँ पर छोटे छोटे इस प्रकार से टक्स लगा लें ऐसे। इसके बाद दोस्तों आप क्या करें, इसको ऐसे रखें एक सिरे को,
यहाँ का भी आप सेंटर इस प्रकार से मिला लें। देखो इस पर सेंटर इस प्रकार से मिला लें, ऐसे सेंटर मिला लेने के बाद आप इस सेंटर पर आप इसको ऐसे रखें, सेंटर टू सेंटर इसको मिलाकर यहां से इसको सिलाई करना अब स्टार्ट कर दें। ध्यान रखना है आपको एक बराबर समान दूरी से इसमें इसको रखना है। ये देखिए दोस्तों हमने इसमें सिलाई कर ली है ये। अब इसके ऊपर चाहे तो आप देखो ऐसे इसको मोड़ लीजिए, ये देखिए। तो इस प्रकार से दोस्तों इस पे ये हमारी ये हो गई है। इसको अच्छे से प्रेस करके इसको आप काट लीजिए, देखिए। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ऐसा, अगर आपको लगता है ये किनारे से बहुत पकड़ा है, यहाँ पर थोड़ा और एक सिलाई देना है तो आप दे सकते हैं, लेकिन बहुत ये इस प्रकार से इसमें बनाई जाती है, काफ़ी खूबसूरती और सफाई के साथ ये आस्तीन दिखती है दोस्तों। तो इस प्रकार से सफाई के साथ आप काम करें। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।